मॉम मॉम वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे। मॉम बात ही कुछ ऐसी है, आपको बताऊंगा तो आप भी एंजॉय करेंगी। मैं आज नवीन के हस्बैंड से मिला। वो बाबर की जो बहन है नवीन, उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि हमजा है, परी का एक्स हस्बैंड। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या बाबर और नवीन को ये बात पता है? पता नहीं, पता हो भी सकती है और नहीं भी। नहीं तो फिर हकीकत का पता कराओ। अगर बाबर को ये बात नहीं पता है तो परीसा ने बहुत गलत किया उसको लाइन में रखकर। और हम तो बाबर के खैरख्वाह में से है ना, हम उसे धोखा नहीं दे सकते भाई। अब आएगा मजाक, जब उसका एतबार टूटेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत सपोर्ट है ना शिजा को बाबर की, जब वो छिनेगी तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर देखिएगा कैसे उल्टे पैर घर लौटकर वापस आती हो। इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा, खुश रहो, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? वैसा ही जैसे कुछ साल पहले तक था। वक्त ना मुझे बदल पाया, ना मेरे दिल को और ना इस दिल से जुड़े रिश्तों को, इसीलिए शिजा की तकलीफ का सुनकर चला है। क्या कर सकते हैं बेटा, जो होना था वो तो हो गया। गलती आपकी है मम्मी जी, शिजा आपकी बेटी है, इसके लिए कोई भी फैसला लेने का हक आपने बाबर को कैसे दे दिया? नहीं करना चाहिए था। खैर आप कहें तो मैं बिलाल से बात करूं। नहीं हमजा भाई, अब बात करेंगे तो हम कमजोर लगेंगे, लेकिन बात करने में हर्ज क्या है बेटा? हर्ज है अम्मी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी और यकीनन आप लोग बिलाल के सामने मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे।